Hi, this is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.4 question number 1. Solve the following pair of linear equation by elimination method. Question hai mare paas x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. Hame do equation given hai x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. ये हमारी हो गई first equation, ये हो गई second equation. हमें किस method से solve करना है? Elimination method से, ठीक है? और elimination method में क्या करना होता है हमें? देखो, जो हमारी x है और y है, किसी भी एक का, मतलब हम पहली terms का ले लेते हैं या दूसरी term, किसी का भी ले सकते हो. हमें दोनों में से किसी भी एक का coefficient आपस में equal करना होता है. जैसे यहाँ पर है x और यहाँ पे है 2x, तो हम इस फर्स्ट इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ भी 2x हो जाएगा, ठीक है? तो वही हम करने वाले हैं, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ठीक है? जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी क्या बन के आ जाएगी? ये आ जाएगी 2x plus 2y, that is equal to 10. ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है? और ध्यान रखो, इस 2 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है. बच्चे क्या करते हैं, x और y को मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं. तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है. इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमारे पास ये दो इक्वेशन, अगर दोनों में x के साथ जो कोफिशिएंट है वो 2 है, 2x, ठीक है? अब अगर इन दोनों के साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. और सब्ट्रैक्ट करने में क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं. यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा. समझ आ रही है बात? और अगर यहाँ पर दोनों साइन सेम नहीं होते, एक प्लस होता है एक माइनस होता, तो सिंपली हम ऐड कर देते, मतलब हमें इसे एलिमिनेट करना है. एलिमिनेट करने के लिए तुम समझ रहे हो कि आपस में कैंसिल होने चाहिए, तो अब ये हो गए कैंसिल, ठीक है? एक ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया. यहाँ पर माइनस के 3y है और यहाँ पे माइनस के 2y है, तो यहाँ आ गया माइनस के 5y और ये प्लस के 4 और ये माइनस के 10, ये आ गया माइनस के 6. माइनस माइनस कैंसिल हो गया और y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 6/5. ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ठीक है? इस y की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, किसी में भी पुट कर सकते हो, फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो, किसी में भी कर दो, ठीक है? पुटिंग y is equal to 6/5 in 1, right? First equation क्या थी हमारे पास, x plus y is equal to 5, तो x plus y की जगह हम डाल देंगे 6/5, that is equal to 5. तो x is equal to कितना आ जाएगा, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, नहीं 5 minus 6/5, और इनका हम LCM लेंगे upon 1 करके, तो ये आ गया 5, that is 25 minus 6, और इससे हमारी x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 19/5. इस तरीके से ये हमारे दोनों आंसर हो गए. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. ऑल द बेस्ट.